नहीं रे भैया, कुछ काम था। तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए ये स्पेशल पूरी भेजी, कहा है कि बहुत डिफरेंट और टेस्टी है। अब ये मैजिकल पूरी खाते ही मुझे मिलेगी सोतले की सोल और मेरा टेंथ हेड। माँ ठीक है ना? ठीक लग रहा है अभी। माँ लेकिन हुआ क्या था आपको? लगता है अचानक गले में फ्रूट अटक गया, पर इतने छोटे छोटे पीस तो है। हाँ। फिर अटका कैसे? होता है करुणा जी, ऐसा होता है कभी कभी। कहीं मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये शिंकाई के दुश्मनों की कोई चाल तो नहीं? मुझे यहाँ माँ को ठीक करने में भटका कर उस ली को। सुन ली होश में आओ। सुन ली थैंक गॉड विवान आज हम बच गए, वरना मुझे तो ऐसा लगा था कि वो गॉड नो, मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। अरे दीदी, अंत भला तो सब भला, और देखे हमें सारे बलून भी मिल गए। अब मुझे कुछ भी करके आने नहीं आती दीदी को, यहाँ से वापस भारत घर भेजना होगा। अब बन जाऊंगा मैं 10 सरों वाला रावण, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे एविल, सबसे पावरफुल विलन। ध्यान से सुनो बालवीर, आज तुम्हारा दी एंड पक्का। क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। विवान, एक गड़बड़ हो गई, मैं सुतली की आत्मा को बचा नहीं पाया, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने उसे वीर वस्त्र पहना दिया था, जिससे अब वो ठीक है। फिकर नॉट भैया, हमें सारे बलून्स मिल चुके हैं, और अब बस हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल को बाहर निकालना है। और उस रावण को भी शक्तिशाली बनने से रोकना है। बहुत अच्छे विमान, इसलिए तो मैंने अनन्या दीदी को किसी भी बहाने भारत नगर वापस भेज दिया। अनन्या, वो यहाँ पर क्या कर रही थी? लॉन्ग स्टोरी है भैया, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी तो हमें इन बलून्स में से बच्चों की सोल्स को बाहर निकालना है। रुको बालवीर। क्या हुआ दोनी परी? शौर्य ने तुम दोनों के लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? ये कि अगर इन बच्चों की आत्मा इन गुब्बारों में से बाहर निकल भी गई, तब शिंकाई वाले दुश्मन के 10 सर उसके पास ही रहेंगे। और अगर तुमने सारी शक्तियां मिलाकर उन गुब्बारों को नष्ट कर दिया, तो उन गुब्बारों में बंद बच्चों की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी बालवीर। शौर्य ने अगर समस्या बताई तो उसका कोई ना कोई हल भी बताया होगा। उपाय एक ही है बालवीर, और वो है परम धनुष। लेकिन परम धनुष तो कल विजयदशमी के दिन ही पूर्ण तरीके से तैयार हो पाएगा, और हमारा दुश्मन आज रावण बन चुका है।
भैया, इसका मतलब हम उससे एक दिन पीछे हैं। परम धनुष हमें कल मिलेगा, लेकिन अगर उसने हम पर आज ही अटैक कर दिया तो? आज नहीं, वो अभी हम पर वार कर रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने भारत नगर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाया था, जिससे मुझे पता चल रहा है कि 10 सिरों वाला रावण भारत नगर आ चुका है। ध्वनि परी, डुबा डुबा, आप दोनों इन गुब्बारों की सुरक्षा कीजिए। एंड मैं और देवू भैया रावण को उसका इंश्योरेंस कवर लेने के लिए मजबूर कर देंगे। पर अब वो महाशक्तिशाली हो गया है और तुम उसे हरा नहीं सकते। हराएंगे तो कल, आज तो केवल उसे 12 घंटों के लिए रोक के रखेंगे। कल विजयदशमी के दिन माता की मूर्ति के विसर्जन के साथ परम धनुष का आवाहन करके बुराई का अंत करेंगे। अब तुम्हारे बेकार का सुरक्षा कवच मुझे नहीं रोक सकता बालवीर, आज तुम्हारा खत्म होना पक्का है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। दिल से बुलाया नहीं, दिल से चाह है कि आज इस दुनिया में तुम दोनों का आखिरी दिन हो, और ये मेरा वादा है कि ऐसा हो के रहेगा। माना कि आपके पास 10 सिर है, लेकिन 10 के 10 सिर एक ही बात बोले काफी बोरिंग हो जाता है यार। सारी एनर्जी क्या इसी में वेस्ट करनी है? तो तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो? विवान, हम जहां भी जाएंगे ये हमारा पीछा करेगा, क्योंकि ये हम पर हमला करना चाहता है। हम इसका फायदा उठा सकते हैं, हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। यस, और ये देखने में भी मजा आएगा कि वो हम दोनों में से पहले किसे फॉलो करता है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किसे मांगता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो जिसे ज्यादा कमजोर समझता हो उसका पीछा करे। भैया, माँ मेरे गान घुमाने का और आप मेरी बात घुमाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। लेकिन फिलहाल तो हम इस रावण को घुमाते हैं। चलो, तो मेरे पीछे है, पर इसका मैं क्या मतलब समझूं? तुम मुझे विवान से ज्यादा ताकतवर समझते हो या कमजोर? क्या फर्क पड़ता है कि तुम ताकतवर या कमजोर, क्योंकि अब सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, बाकी सब कमजोर। वाह, इतना घमंड! इतना घमंड तो असली रावण का भी टूटा था। मैं आज का रावण हूं बालवीर, और मुझे तुम तो क्या, तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक सकता। रोकने से याद आया, विवान भी तो बालवीर है, उसके पास भी तो शक्तियां है। तो अब तुम जब यहां पर हो, वो तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल देगा। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था बालवीर। ध्यान से देखो, मैं अपने सिर्फ 5 सरों के साथ यहां पर हूं।
शायद तुमने भूल गए कि मैं 10 सरों वाला रावण हूँ। मैं एक साथ 10 जगहों पर हो सकता हूँ। मैं जल में हूँ, मैं जल में, हवा में हूँ, मैं आकाश में हूँ, I am happy कि तुम मेरे ही पीछे आए, वरना बड़े भी है तो मुझे हमेशा छोटा बच्चा कहते रहते हैं। वैसे तुम्हारे बाकी के सिर कहाँ गए? रास्ते में गिर गए? तुम चिंता मत करो, मैं वहां भी हूँ और यहाँ भी हूँ। दोनों बालवीरों को एक साथ एक समय पर खत्म करूंगा। मैं एक जैसा तर्क दूंगा तुम दोनों को एक बार। लेकिन मैं तुम्हें इक्वल ट्रीट कैसे दूं? क्योंकि देखो, तुम तो हाफ हो गए लेकिन मैं पूरा बालवीर हूं। सो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड में विक्ट्री तो हमारी ही हुई। मैं आधा ही काफी हूँ तुम्हारे लिए बालवीर। लगता है तुम्हारे अंदर घमंड के साथ साथ अति आत्मविश्वास भी है। तुम्हारा जीतना तो असंभव लगता है। बातें अच्छी बनाते हो, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को बातों से नहीं हाथों से खत्म करता हूँ। तो शुरू करें। लेट्स बिगिन। नहीं था मैं तुम्हें। ज्यादा देर के लिए फाइट में रोक के नहीं रख सकती। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस रावण को टूरिस्ट बनाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराएं? हाँ विमान, योजना अच्छी है। इसमें आराम से 7-8 घंटे तो निकल ही जाएंगे।
बालवीर, बारा, कहाँ डर कर चुप गए तुम? ओ पांच बत्ती, थक गए क्या? नहीं बालवीर, आज जब तक मैं तुम दोनों बालवीर को खत्म नहीं कर देता, तब तक ना मैं रुकूंगा, ना मैं थकूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारा अंत करना तो दूर, हमें छू भी नहीं पाओगे। कोशिश करके देख लो। अगर है दम तो करो मेरा पीछा, क्या तुमसे हो पाएगा? भागो बालवीर भागो, आज जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। शौर्य, हमारा दुश्मन महाशक्तिशाली हो गया है। लगता नहीं कि दोनों बालवीर मिलकर भी कल सूर्योदय तक उन लोग को उलझा कर रख पाएंगे। जानता हूँ, और अगर ऐसे ही वो ब्रह्मांड में घूमते रहे तो उनकी शक्ति ऊर्जा भी जल्द समाप्त होने लगेगी और उन्हें थक कर रुकना ही पड़ेगा। फिर तो बालवीर को हराना और भी आसान हो जाएगा दुश्मन के लिए। हाँ बालपरी, इसलिए अब मुझे वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। वो क्या शौर्य? मुझे समय की गति को बढ़ाना होगा ताकि सूर्योदय अपने सही समय से पहले हो सके और दोनों बालवीर माता की मूर्ति का विसर्जन करके परम धनुष का आवाहन पूर्ण करें। तो मंडली, मैं क्या कह रहा था? अरे अरे बोलो, नहीं सुनो। मतलब सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आज नवदुर्गा की आखिरी रात है ना, तो क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए। तो आज रात हम माता जी का नाम लेकर जगराता करते हैं। हाँ। आ, मस्त मस्त। और जगराते के बाद कल सुबह यहीं से माता जी का विसर्जन भी कर लेंगे। हाँ। तो बहू शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, हाँ पापा जी, शुरू करो। फिर से गई है, इस बार कानून की तेज नजर आप पर रहेगी। शुरू करो। लीजिए, मुझे हारमोनियम दीजिए, मैं बजाती हूँ, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, और मैं प्रॉपर स्पीड पे गाना गाऊंगी। जल्दी हम रिपब्लिक डे के साथ डांस करेंगे। भैया पूरे ब्रह्मांड का राउंड लगाकर चंद्रमा पर आकर तो काफी टायर्ड सा फील हो रहा है। हाँ विवान, थकान तो होगी क्योंकि हमने इस उड़ान में हमारी काफी ऊर्जा खर्च की है, लेकिन हम उस दुश्मन को हमारे पीछे उलझाने में सफल रहे। यस भैया।
रुक भैया, इंडिया में सनराइज हो रहा है, हमें हमारे हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। यस, वी डिड इट भैया, अब सनराइज के साथ साथ इंडिया में विसर्जन का भी टाइम हो जाएगा और माता के विसर्जन के साथ परम धनुष भी तैयार हो जाएगा, जिससे हम बुराई के रावण का अंत करेंगे और साथ ही साथ हमें खुशी दीदी और मेरे बाकी फ्रेंड्स की अच्छी सोच वापस मिल जाएगी। लेकिन वो दुश्मन है कहाँ? वो हमारे पीछे आया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसका भी पेट्रोल खत्म एंड इंजन बंद। नहीं विवान, हमारा दुश्मन हमसे कई ज्यादा ताकतवर है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। अब तक वो हमारा पीछा कर रहा था हमें मारने के लिए, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। क्यों? कहीं उसे हमारा प्लान पता तो नहीं चल गया कि हम उसे जानबूझकर पूरी यूनिवर्स की टूर करवा रहे हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझो, लेकिन बेवकूफ नहीं बालवीर। एक प्लान उन्होंने बनाया था और एक प्लान मैंने बनाया, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने का। अरे लेकिन वो दोनों बालवीर आ गए तो? वो आएंगे, जरूर आएंगे। तब तक रेप बुराई की ऐसी सुनामी लाएगा जिसमें पूरे भारत नगर का विसर्जन हो जाएगा। यस मिस्टर बी, बेचारे दोनों बालवीर अपने ही बनाए हुए प्लान में फंस गए। ना वो दोनों बालवीर का गेम ओगो। मैं अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके धरती लोक पर जाना होगा। अगर हमें आज परम धनुष प्राप्त करना है तो माता की मूर्ति का विसर्जन पूरा हो जाना चाहिए। फिकर नॉट भैया, इस विजयदशमी भी अच्छाई की ही विजय होगी और इस बार भी रावण ही चलेगा। अब होगा धरती का विनाश और शुरुआत होगी भारत नगर से। यकीन है इतना दूर से आए हो तो तुम्हारी बैटरी सिर्फ 5% बची होगी। अब मेरा सिर्फ एक बार और तुम दोनों की जिंदगी का आन आन। हमारी बैटरी सिर्फ अच्छाई से चार्ज होती है, जो चाहे माइनस में क्यों ना हो तब भी, लेकिन हमारी पावर प्लस में रखती है। लेकिन आज यहाँ प्लस होगी मेरी ताकत और तुम्हारी सांसें माइनस। जय माता दी।
की अच्छाई का सूर्यास्त और उसके रक्षकों का अंत। बच्चे बोलो, अरे बूढ़े बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस अब कुछ देर और फिर परम धनुष तैयार, अंत तो तुम्हारा होगा, हमारा तो काम पूरा हुआ। जय माता दी, जय माता दी। अब रावण दहन करने चलते हैं। चलो। अगर काम पूरा हो ही गया है तो तुम्हारे होने की क्या जरूरत है? कर देता हूं तुम्हारी जिंदगी का अंत। ध्वनि परी, उठो बालवीर, और जिस काली अंधेरी बुराई का अंत करने का तुमने वचन लिया था उस वचन को पूरा करो। उठो और थामो ये परम धनुष अपने हाथों में, उठो और दहन करो बुराई के इस रावण का। उठो बालवीर, उठो और मिटा दो इस बुराई के अंश को हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पे से। बुराई कल भी अच्छाई से दो कदम आगे थी और आज भी है। तुम कल भी कमजोर थे और आज भी कमजोर हो, और इतना ताकत और हथियार तुम जैसे कमजोरों के हाथ में अच्छा नहीं लगता। हाँ,
तुम जो कह दिया, मैं कलयुग का रावण हूं और आज मैं तुम्हारी माता रानी के साथ साथ तुम सबका विसर्जन करूंगा। सिर्फ 10 साल लगाने से कोई रावण नहीं बन जाता। रावण में बुराई थी लेकिन साथ ही साथ न्याय करने के और धर्म निभाने के गुण भी थे। अगर उसमें अहंकार था तो साथ ही साथ अंत समय पर अपनी गलती मानने का साहस भी था। क्या तुम में है वो साहस? बालवीर, मैंने बुराई के स्वरूप के लिए समय की गति को धीमा कर दिया है, पर तुम्हारे लिए समय नियमित गति से ही चल रहा है। इसलिए अब एक भी पल बिना गवाए परम धनुष से वार करो बुराई पर। लेकिन शौर्य, ये परम धनुष तो? ये परम धनुष है बालवीर, ये बुराई का अंत कर सकता है, बुराई इसका नहीं। साथ आपका सपना भी चल के रात हो गया।
बामबाल नींद में नहीं खुली आंखों से सपना देखता है। इस बार नहीं सही, लेकिन अगली बार मेरा सपना जरूर पूरा होगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है बालवीर। जब तक मैं जिंदा हूं बुराई नहीं हार सकते। मैं वापस आऊंगा बालवीर। पर ये मत भूलना कि हमेशा विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। जय माता दी। परम धनुष, बुराई के खिलाफ लड़ाई में हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्थान पर लौट जाइए। इस बार की फाइट काफी ज्यादा टफ थी, लेकिन हम सब ने मिलकर शिंकाई विलन को हरा ही दिया। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ विवान, अब हमें भारत नगर जाकर सबकी याददाश्त पर बितानी होगी। चलो। बालवीर, वहाँ तब ठीक तो? हाँ, हम ठीक हैं। बालवीर, विवान, विवान, बालवीर, बालवीर क्या हो गया? बालवीर उठो, विवान आगे खोलो, विवान, बालवीर, बालवीर उठो। शौर्य, क्या हो गया बालवीर को? आँख क्यों नहीं खोल रहे? अरे अरे स्वामी, इसके गाड़ी का इंजन तो शिंकाई पहुंचने के पहले ही फेल हो गया। नाम बड़े और दर्शन छोटे। स्वामी, ये तो गया नरक में। ए रे, ए, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं पूरा करूंगा तेरा ये सपना। मैं बनूंगा तेरे लिए बुराई का राजा। मैं नहीं, आप बनेंगे। अब इस अमृत जल से ही रे ठीक हो सकता है। है? स्वामी, आप रे के अंतिम संस्कार, मेरा मतलब है अंतिम उपचार का मौका मुझे दीजिए। विवान, उठो ना विवान। बालवीर, विवान, तुम ठीक हो ना? बालवीर, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? हाँ,
आंखें बंद थी ब्रिगेंसा, लेकिन मेरे कान खुले थे, सब कुछ सुना मैंने। और रे को मारने के विश करने वाले को सबसे पहले रे मारता है। नहीं नहीं, माफ कर दो स्वामी, मुझे बचाइए, माफ करना, माफ करना रे, माफ करना। कुछ नहीं हुआ। मिस्टर बी, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? योद्धा कितना भी बड़ा हो, जब एक बड़ा युद्ध लड़के आता है तो हार जीत के साथ साथ कुछ घाव भी लेकर आता है। इन दोनों बालवीर के साथ हुए इस महायुद्ध में उनका वो परम धनुष तुम्हारी जान तो नहीं ले पाया, लेकिन तुम्हारी शक्तियां छीन कर तुम्हें एक बड़ा घाव देकर गया है। स्वामी, स्वामी, हमें रे की शक्तियां वापस लानी पड़ेगी। रे, तुम्हारी शक्तियां वापस आने में कम से कम 2 दिन यानी कि 48 घंटे का समय लगेगा। पवित्र जल से दोनों बालवीरों को उनकी शारीरिक शक्तियां तो मिल गई हैं, पर जादुई शक्तियां वापस प्राप्त करने में 2 दिनों का समय लगेगा। शौर्य, हम भारत नगर वाले वासियों की याददाश्त कैसे मिटाएंगे? वो मैंने मिटा दी है बालवीर। और शौर्य, अगर शिंकाई वालों को पता चल गया कि हमारे पास जादुई शक्तियां नहीं है तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। शौर्य, हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए डिफेंसलेस नहीं रह सकते। अगर ऐसी भी शिंकाई विलन्स ने हम पर फिर से अटैक कर दिया तो? चिंता मत करो, इसका उपाय है हमारे पास। भानी परी, आप मेरे साथ चलिए। अब वक्त आ गया है उन सारी परियों को बुलाने का जो परितारा में समाहित हो चुकी है। चलिए। लेकिन बालबरी, हम बिना जादुई शक्तियों के वापस घर कैसे जाएंगे? अपना हाथ आगे करिए। ये यंत्र तुम दोनों की मदद करेगा। बालवीर, तुम अपना और विवान का ध्यान रखना। फनी परी, चलिए। फिकर नॉट भैया, हमेशा की तरह इस बार भी हम ये 2 दिन हैंडल कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम्हारी शक्तियां वापस ना आ जाएं, तुम्हें शिंकाई में ही रहना चाहिए। नो मिस्टर बी, शिंकाई नहीं, भारत नगर। रे कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। उन दोनों बालवीरों ने मुझे हर्ट किया है ना, अब रे रिटर्न में उन्हें डबल हर्ट करेगा, डबल हर्ट। भैया, हमने इसे स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसे स्टॉप कैसे करना है? अब पता नहीं विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ। भैया जल्दी सोचिए, वरना हम दीवार पे बूस्टर की तरह चिपक जाएंगे। ओ मोंटू भैया, इसका चलाना भी होता है। अरे इसका पैर रखो। हाँ हाँ, पैर नीचे। अभी ऐसे। विवान, लगता है हम दीवार से नहीं, इन दोनों से टकराने वाले हैं। अरे ये लोग भी दीवार से कम है क्या? मोंटू भैया, वो देखो, ये विवान और देवो भैया हैंडल पकड़ कर हवा में किसी उड़ रहे हैं। अरे हटो हटो, सामने से हटो। अरे हटो ना मोंटू भैया। अरे चिंटू, तुम उठो ना। ए, तुम दोनों देख क्या रहे हो? ये जादुई चीज है ना, इसे ही पकड़कर तुम दोनों उड़ रहे थे ना।
खा गए ना, धोखा खा गए। देखो विवान, ये लोग भी धोखा खा गए। धोखा खा गए। देवो भैया, हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कभी धोखा नहीं खा सकते। अरे ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो लंदन से स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ यहाँ पे नहीं मिलता ये, है ना विवान? हाँ हाँ कुछ। अरे पूरी दुनिया मार्स पे पहुंच गई है और तुम लोग कभी भी एक सेंचुरी पुराना स्कीट बोर्ड यूज कर रहे हो। चलो विवान चलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। चिंटू, भारत दगल में मेरे मुंह में लड्डू जाने से पहले कोई एक लड्डू नहीं खा सकता, और इन दोनों ने उड़ने वाला स्कीटर लिया, वो भी हमसे पहले। वैसे मोंटू भैया, आपको लड्डू देने से पहले एक दो लड्डू मैं खा ही जाता हूँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमें भी उनके जैसा उड़ने वाला स्केटर लेना होगा। लेना होगा नहीं चिंटू, उनका ही लेंगे। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को आवाज देने ही वाली थी। देखो क्या क्या बनाया है मैंने, मटर पनीर और कढ़ी। चल 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 चल, ला विवान, बोला बोलो। नहीं सुनो, मैंने सिर्फ खाना दिखाया है, खाने को नहीं खाए। लेकिन माँ, इसमें कहने की कौन सी बात है, खाना तो खाने के लिए ही होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे कान खींचने के लिए होते हैं। अब खाना तुम दोनों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम दोनों मुझे ये नहीं बताओगे कि पिछले 24 घंटों से तुम दोनों कहाँ थे। पूरे विसर्जन में नहीं दिखे हो तुम दोनों। फंस गए भैया, अब माँ को क्या बोले। फंस गए विवान, अब माँ को क्या बोले। मैजिक के साथ टेलीपैथी का कनेक्शन भी कट हो गया हमारा। लगता है जादू शक्तियों के जाने से हमारे अंतर्मन से बात करने की शक्ति भी चली गई। क्या एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हाँ चलो अब डिटेल में मुझे बताओ कि कहाँ गए थे। भैया शौर्य ने माँ की ये वाली बात की यादाश्त क्यों नहीं मिटाई? फंस गए ना। हेलो, हो गई खुसर पुसर? अब जवाब दो, बोलो। कुछ नहीं माँ, वो विवान, विवान बताएगा आपको। बता विवान। मैं क्या बताऊं? अरे बता ना, अभी जो खुसर पुसर की वही बता। हाँ भैया, अभी जो खुसर पुसर आपने सुनी है आप वो बता दीजिए। नहीं विवान, तुम बताओ ना पहले। अरे नहीं भैया, बड़े हो ना, और बड़े की बात तो हमेशा सच होती है ना माँ, है ना। नहीं विवान तू बता। नहीं भैया, पहले आप। विवान पहले तुम बताओ ना, बताओ। भैया पहले आप। अरे बोलो, नहीं सुनो, ये क्या पहले आप पहले तुम लगा रखा है। तुम दोनों को मेरी कसम है, सच सच बताओ कहाँ थे। अब अरे विवान, माँ ने तो कसम दे दी, अब तो सच बताना ही पड़ेगा। माँ वो एक्चुअली हम रावण दहन करने गए थे। क्या सही कह रही है? वो भारत नगर के साथ साथ कॉलेज में भी विजयदशमी सेलिब्रेट हो रही थी, और वहीं इन्होंने रावण का दहन भी किया। राइट देखो। हाँ राइट राइट, रे सही कह रहा है मैं। अच्छा तो पहले बताना था ना, खामखा इतनी देर भूखा रहना पड़ा। चलो जल्दी से खाना खा लो, और रे तुम भी आओ ना खाना खाने के लिए। ऑफ कोर्स आंटी, इतनी तारीफ सुनी आपके हाथ के टेस्टी खाने की, तो फिर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आओ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आओ बैठो ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तब तक खुशी को बुलाकर लेकर आती हूँ।
तो क्या कर रहे थे तुम? मेरा इंतजार कर रहे थे। वैसे कहते हैं कि मेरी कहीं भी पहुंचने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है। वैसे रे, हर जगह तुम ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान मदद करने पहुंच जाते हो, या फिर आज कुछ स्पेशल है? स्पेशल तो तुम और विवान हो। यहाँ भारत नगर में लोगों की कितनी हेल्प करते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हें आंटी की डर से बचाकर तुम्हारी हेल्प कर दूं। वाह, नाइस ऑफ यू। खुशी हुई जानकर कि तुम दूसरों की हेल्प भी करते हो। और जो मेरी हेल्प करते हैं मैं उन्हें थैंक यू भी बोलता हूँ। वैसे गए कहाँ थे तुम दोनों जो आंटी से छुपाना पड़ा? क्या गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? नहीं, हम रावण दहन ही करने गए थे, लेकिन गोकुल नगर। आई बिलीव दैट कि अपने दोस्तों से चाहे थोड़ा दूर रहो, लेकिन अपने दुश्मनों से हमेशा क्लोज रहो। सही मानना है तुम्हारा। तो तुम यहाँ पे हमारे दोस्त बन के आए हो या फिर दुश्मन? ऑफ कोर्स दोस्त बन के आया हूँ। अरे, आज ये भैया भी आए हमारे साथ लंच करने। वॉश बेसिन किधर है? उधर। थैंक यू। कमॉन बालवीर, दिखाओ अपना मैजिक और करो सेव अपनी सिस्टर को। खुशी? दीदी, खुशी क्या हुआ? खुशी क्या हुआ? ये तो कंफर्म हो गया कि इनके पास कोई शक्तियां नहीं है। हाँ? वाह, गिर गई खुशी। कैसे गिर गई तू? मम्मी, पानी पे मेरा पैर फिसल गया। खुशी, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं ना? नहीं, विकेट नॉट मां। दीदी बिल्कुल ठीक है, और देखना अभी थोड़ी देर में मेरे पीछे भागने लगेगी। अच्छा, आ जाओ। ठीक है, आराम से आ जाओ। अच्छा, आराम से दीदी, आराम से। Awesome, मिस्टर बी। मुझे डाउट तो था ही, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। रेल से टिकट काट के आए हो क्या? जो वेटिंग से कंफर्म हो गई है। टिकट तो उन दोनों बालवीर की कटेगी। Because the good news is, जिस तरह से मेरी मैजिकल पावर्स जा चुकी है, ठीक उसी तरह उन दोनों बालवीर की भी मैजिकल पावर्स छिन चुकी है। तुम्हारे पास भी तो जादुई शक्तियां नहीं है, फिर करने से क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं, आप बोलेंगे स्वामी। मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ? We have Lady Birba, the most amazing inventor. बिरबा नाम है मेरा। बिगड़ी बनाना काम है मेरा। सही कहा तुमने, बालवीर के पास भी शक्तियां ना होने से तुम्हारी और उनकी ताकत एक बराबर है, लेकिन ऐसे में हमारे पास बिरबा है जो एडवांटेज मेरे पास है, और इस बार विनिंग पोजीशन पे भी हम है मिस्टर बी। लेडी बिरबा, इस बार हमारी विनिंग के लिए कोई ऐसा डिवाइस बनाई है अगले 24 घंटे उन दोनों पावरलेस बालवीर और भारत नगर के लिए। आखिरी 24 घंटे बन जाए। अरे दीदी, ये क्या तुम्हारे हाथ में? विवान, ये बाम है दीदी। क्यों? अब आपके लिए, इतनी भारी बोरी उठाने के बाद
आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। वाह, हम तो फ्यूचर भी देख सकते हो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, लेकिन प्रेजेंट जरूर देख सकता हूँ। अभी जो आपके पति ने छूट रहे हैं ना, उसे देख के सब पता चल रहा है कि आपके घर पहुंचते पहुंचते तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे ये बाम खुशी दीदी के लिए। विवान, क्या हो तुम? स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, लेफ्ट प्रोफाइल से सलमान हूँ, तो राइट प्रोफाइल से थोड़ा क्यूट भी हूँ। बिल्कुल ही पत्थर दिल हो तुम। मैजिक से नहीं ठीक कर सकते थे खुशी को? अरे दीदी, आप क्यों दुखते रख पे अपना पैर रख रहे हो? मैंने कब पैर रखा? अरे दीदी, आपको नहीं पता है? मुझे सब पता है। एक बहन के तो काम आ नहीं पाए, दूसरी के तो आ जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये बोरी मेरे घर तक रखवाने में मेरी हेल्प कर दो। अच्छा, मतलब सिर्फ ये बोरी आपके घर तक पहुंचानी है ना? ठीक है, ये लीजिए, ये पकड़िए और दीजिए। अरे 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 अरे, वाह अनन्या, वाह। थैंक यू अंकल। अरे डांट रहा हूँ, शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, बच्चे से बोरी उठवा रही हो। वेरी बैड। अब मैंने तो कहा ही था इससे कि मैजिक से कर दे। मैजिक से उठा ले मतलब? ये कोई सुपर हीरो थोड़े ही है। हे तो मामूली सा बच्चा ही। मामूली मामूली, अगर मैजिक होता तो। होता तो है तो नहीं ने? वही दो। वही तो मैं अनन्या दीदी को समझाना चाहता हूँ, पर कैसे समझाऊं? रे वादे, मैं हूँ ने, मैं मदद कर देता हूँ। खाम खाम में बुरा बना दिया तुमने मुझे। ये लो ना बाप। अरे दीदी, मुझे कौन सी 5-star रेटिंग मिली है छेड़ा अंकल से? लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं दीदी कि मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। अरे वाह, बिना मैजिक के विवान भी तुम्हारी तरह हीरो नहीं, बड़ा सा जीरो है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। हेलो, आरके केमिकल्स, मेरा एक ऑर्डर है, लिख लीजिए। भैया, आप ये स्टिक के साथ क्या कर रहे हो? अरे चिड़िया उड़ा रहा हूँ। चिड़िया? चिड़िया क्यों? विवान। सॉरी विवान, सॉरी। भैया, अरे विवान, वो माँ ने कपड़े सुखाए थे बाहर, उसमें से शॉली झाड़ पे आके अटक गई, वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, मैजिक के बिना तो एक दिन ऐसा लग रहा है जैसे बिना इंटरनेट का स्मार्टफोन। अब खुशी दीदी को भी बाम लगाना पड़ रहा है और अनन्या दीदी भी मुंह फुला के बैठी है। अब समझ में आया ना कि असली सुपर हीरो आम आदमी होता है, जैसे हमारी माँ, बिना किसी शिकायत के चेहरे पर मुस्कान के साथ हर छोटा बड़ा काम कर लेती है, शक्तियाँ ना होते हुए भी। समझ गया भैया, लेकिन अब आपकी ये छोटी सी लकड़ी तो माँ की शॉल तक पहुंचेगी नहीं। सो मैं अपनी ओल्ड ट्रिक यूज करूंगा विदाउट मैजिक। ओल्ड ट्रिक मतलब? भैया, मैं मैजिक ही करूंगा लेकिन विवान स्टाइल में। अरे अरे विवान, आराम से, किसी को लग ना जाए। भैया फिकर नॉट, जस्ट चल। अरे कितने कांच तोड़ा भैया, मेरी ओल्ड ट्रिक की वजह से तो न्यू प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब इससे बचने के लिए मेरी दूसरी ओल्ड ट्रिक यूज करते हैं। दूसरी ट्रिक मतलब? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सामने आते हुए दिखे, भागिए और छुपिए भैया। अरे विवान, पर भैया छुपिए छुपिए छुपिए। अरे किसने कांच तोड़ा, कौन है, कहाँ है? भैया आप आज क्यों रहे हो? अब हम माँ के शॉल कैसे निकालेंगे? अरे विवान चिल, ये प्रॉब्लम एक है और हम दो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भी दो से एक होना पड़ेगा। मतलब? आ रह गया डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय कुछ मंगवाया? अरे छोले भटूरे, जलेबी फाफड़ा, मंगा मंगा, बड़ी भूख लगी है। मुझे तो सिर्फ बालवीर और उसको प्यार करने वालों को खत्म करने की भूख है। ले, एक तरफ
बोलते हो कि विवाह के आविष्कार से कुछ बनाओगे और दूसरी तरफ पता नहीं क्या ऑर्डर किया है। अरे ऑर्डर क्या किया है? मैंने एक स्पेशल केमिकल मंगवाया है जो मैं विवाह के इन्वेंशन के साथ मिलाकर लैंडमाइंस बनाऊंगा। लैंडमाइंस? लैंडमाइन? लैंडमाइन? ये लैंडमाइन होता क्या है? सब बताता हूँ। दिस इज माई, मेरा ही। आप कौन? वही जिसने ऑर्डर किया। आपका नाम करुणा? तुमने बताया नहीं, तुमने अपना नाम बदल लिया, वो भी लेडीज वाला। क्या बकवास कर रहे हो? देखो इसमें मेरा नाम लिखा होगा। अरे सर, इस पार्सल पे ऑर्डर करने वाले का नाम करुणा जी लिखा है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ए, क्या चेक कर रहा था? तुम्हें क्या ये बेवकूफ लगता है? ये बेवकूफ नहीं है। इन्होंने बोला ना, ये यहाँ पे कोई करुणा जी नहीं रहती है। चलो निकलो यहाँ से। बात करते हो तुम भी? करुणा करुणा करुणा। ए, क्या? हाँ, चलो एक बुरा काम तो कर लिया मैंने, बालवीरों का सामान वापस भेज दिया मैंने। निकला? हाँ बस ऑलमोस्ट निकल रहा है, निकल गया। ये हुई ना बात। ये बात। देखा विमान, हमारे पास मैजिक हो या ना, फिर प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम दोनों साथ होंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। तो अब मेन बात कर ले। क्या? शिंकाई के दुश्मनों को नहीं पता कि हमारे पास कल तक जादू शक्तियां नहीं है, कहीं इस बात का फायदा उठाकर वो हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश ना करे। भैया तो हमें और भी अलर्ट रहना चाहिए और उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। राइट विवान, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंतजाम कर लिया है मैंने। तुम फिर से आ गया? मैंने कहा यहाँ कोई करुणा जी नहीं रहती। करुणा जी? करुणा? अब तो ये हमारा पार्सल है, लाइए दीजिए। लेकिन ये करुणा कौन है? हमारी माँ है, लाइए। लेकिन ये ऑर्डर तो करुणा जी के नाम पर नहीं है, लाइए वापस दीजिए। अरे तो, अरे पान वाला तो बोल रहा था करुणा जी यही रहती है। ओ, तो वो पार्सल हमारा है। ये रेखा पार्सल है। ओ, एंड मेरा पार्सल उधर है। तुम बार बार मुझसे टकराते क्यों? तुम्हें अपने बराबर का समझता हूं इसलिए। लेकिन तुम्हारा मुझसे टकराना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा ये जो पार्सल है वो टूट सकता था, उसे नुकसान पहुंच सकता था। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि तुम दोबारा मुझसे कभी नहीं टकराओ। बेटर। इस बॉक्स में मुझे लैंडमाइन बनाने का पूरा केमिकल मिल जाएगा। ये लैंडमाइन का केमिकल है? ये तो कोई बटन लग रहा है। ये तो करुणा जी का पार्सल है। पार्सल एक्सचेंज हो गया प्रेगेंसा, इसका मतलब हमारा पार्सल बालवीर के पास पहुंच गया। अरे लेकिन करुणा जी को बटन्स की क्या जरूरत पड़ गई? क्या फर्क पड़ता है करुणा जी इन बटन्स का कुछ भी करे, लेकिन इससे पहले कि बालवीर मेरा पार्सल खोले उसे वापस लेकर आना होगा। पार्सल पे नाम माँ का है लेकिन है हमारे लिए। लेकिन भैया आपने अपना नाम क्यों नहीं यूज किया? तुम
क्योंकि अगर मैं अपना नाम यूज करता तो हमारे दुश्मनों को पता चल जाता कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं। ओ, लेकिन भैया आपने मंगवाया क्या है? स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा? मैंने बताया था ना कि शिंकाई के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने नॉर्मल कैमराज नहीं मंगाए, वरना किसी को भी शक हो सकता था। रुको,